शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। कीर्ति हुआ क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब कुछ बोलने लायक बचा ही कहाँ है? कीर्ति, कीर्ति सब ठीक हो जाएगा। दीदू हो गया जो होना था, अब क्या कर लेंगी? अवनी ने कर दिया। कीर्ति प्लीज, कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है अवनी, और ये बात सबको बताना जरूरी है। कीर्ति, ये तुम कढ़ाई में जलेबी गोल गोल क्यों छानने लगी हो? सीधे सीधे बताओ ना बात क्या है। आज जब हम डॉक्टर की क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो एक चोर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे इतनी धूप हो रही है, एक भी ऑटो नहीं दिख रहा। ऑटो वाले सब कहाँ मर गए कानपुर के? कहाँ चले जाते हैं? इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ से? अरे बहन जी, इस पते पे पहुंचना है। दिखाइए, ये तो आप गलत आ गए। ये रास्ता नहीं है, हम बताते हैं। वो ना ऐसे सीधे जा। चाकू दूर रखो, आप चेन रख लो। क्या आज अवनी के कारण हम और हमारा बच्चा दोनों सही सलामत आप सबके सामने खड़े हैं। अवनी ने हमें एक नई जिंदगी दी है, पर अवनी नहीं होती तो कोई और होता। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देता। अवनी, तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचाया, और आप लोगों को पता है, ये देखिए अवनी को कितनी गहरी चोट आई है। भगवान, अपनी बेटा, हम और हमारा परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ अवनी, तूने इतना बड़ा जोखिम उठाया कीर्ति के लिए, मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूंगा? हम बताते हैं वरुण जी, कैसे करना है। हमें माफ करके अवनी, हमने ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बदले की भावना में तो लोग बह जाते हैं,
पर वरुण जी, अवनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें माफ कर दो अवनी, प्लीज। नहीं कीर्ति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी बातें थी, भूल जाओ, ठीक है? अवनी बेटा, तुम तो बिल्कुल एक्शन फिल्म के हीरो की तरह निकली। हीरोइन को बचा भी लिया और उसके मन में जो शक था वो भी दूर कर दिया। हेलो, हाँ बेटा, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, अब अभी बेटा आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। श्रद्धा, तुम ना सबके लिए चाय नाश्ता बना लेना। हाँ, हम आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना कीर्ति। अवनी, तुम कुछ दिन यहीं पे हम सबके साथ रहो ना। क्या? हाँ वरुण जी, आप ही देखिए ना, अवनी को कितनी गहरी चोट आई है। अकेले कैसे अपना ख्याल रखेगी? यहाँ सबके साथ रहेगी तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी और हम सब इसका ध्यान रखेंगे, है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि अवनी की जिंदगी में और भी कितने काम हैं, उसे वो भी तो देखना है ना। दीदू, कौन सा उसको हमेशा के लिए रख रहे हैं अपने घर पे? और जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ रहेगी। कीर्ति, अब अरे अवनी से तो पूछ लो कि उसका मन यहाँ रुकने का है भी या नहीं। मन की बात नहीं है, वो क्या है ना, मुझे थोड़ा काम है। मतलब तुमने हमें माफ नहीं किया? नहीं कीर्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे वरुण जी जैसी दोस्त नहीं है। नहीं कीर्ति, तुम तो मेरी दोस्त हो, लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम यही रहोगी हमारे साथ होली तक। और वरुण जी, आप भी प्लीज आइए ना, वो अकेले कैसे लाएगी? देखिए उसे चोट लगी हुई है, चाहिए इसका सामान लेकर आ जाइए। ठीक है, अब चल।
जी, बुआ जी, मम्मी जी, आप तीनों बहुत 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 खूबसूरत लग रही हैं। अभय, क्या कमाल का शो था ये। अरे श्रद्धा, ये तो कुछ भी नहीं है, असली मजा ना नाम के लोगों में है। मम्मी, आप जानती कितना जुगाड़ लगाना पड़ा मुझे नाम और लोगो दोनों रजिस्टर कराने के लिए। घंटों खड़ा रहा, लेकिन करवा ही लिया मैंने। देखना, आप भी हैरान होने वाली हैं। एक मिनट, अभी ये हमारा अभय तो ना श्रीराम का अवतार है, आपसे कितना प्यार करता है, आपकी कितनी इज्जत करता है। देखिएगा, उसने आपके नाम से कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई है। अरे वाह, बधाई हो तनुजा, ये आपके नाम की ना पहली कंपनी होगी। चमक तो देखे इनके चेहरे की। चाहो श्रद्धा सारी। भाभी, इससे अच्छा तो ये होता कि हमारी ये सारी ना घूंघट बन के हमारी आंखों को ढक देती। कम से कम ये धोखा तो देखने को नहीं मिलता हमारी आंखों को। औरत ने अपने बच्चे को इतने प्यार से बड़ा किया, आज उसके नाम की जगह कल की आई हुई औरत के नाम पर दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा दिया इस अभय ने। अरे प्रसाद, नहीं खाने जैसी छोटी गलती को माफ करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बेटा हमारा नहीं रहेगा। हम ये सब अब नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं। श्रद्धा, ये ना बस शुरुआत है, आगे चल के तुम्हें ही काम करना है। तुम्हारे डिजाइन्स, लिस्ट भी बनानी है सब क्लाइंट्स की, उसके बाद कपड़ा भी डिसाइड करना है, ये सब कुछ तुम्हें ही देखना है। श्रद्धा, श्रद्धा तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी, अरे यार तुम अभी भी उसी बात में लगी हो। मैं यहाँ हमारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, हमारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो बस वरुण, कीर्ति, अवनी, इन सब की जिंदगी में घुसे रहना है बस। नहीं अभय, आपको पता नहीं है आज क्या हुआ है। जिस तरह से अवनी इस घर में घुस रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो उनका घर ना तोड़ दे। मैं अवनी के घर उसको समझा कर आई थी कि वरुण जी से दूर रहे, और फिर कीर्ति पर अचानक से हमला हो जाना और उसी वक्त अवनी का उसे बचाना, ये सब आपको एक नाटक नहीं लग रहा है? बस श्रद्धा, मुझे नहीं जानना कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये नाटक है, हकीकत है, मुझे कुछ नहीं जानना। अरे यार, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। दूसरों की जिंदगी संभालने से पहले हम खुद की जिंदगी ठीक कर लें। पर अब है एक बार समझने की कोशिश। बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है श्रद्धा, तुम्हें जो करना है ना तुम करो। अभय, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे कीर्ति की इतनी चिंता हो रही है, अपनी बहन का घर टूटते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? नहीं, नहीं, मुझे अपनी की सच्चाई पता लगानी होगी। कीर्ति, तुम कभी वो सिविल लाइंस वाले मॉल गई हो? अरे हाँ, कई बार। वहाँ के कपड़े ना हमें बहुत पसंद है, और कभी कभी फिल्म भी देख लेते हैं हम वहाँ। फिर तो हमारी खूब जमेगी, अब तुम आ गई हो ना। बस अवनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओगी? दीदू, क्या हो गया? हम
जरा सा खुश क्या होते हैं कि आप टपकाती हैं? आप देख रही हैं ना कि हम और अपनी गप्पे मार रहे हैं। अपनी, मेरा तुमसे बात करना ज्यादा जरूरी है, चलो मेरे साथ। किसी कोई जरूरी काम ही होगा, है 5 मिनट बाद। दे दो बिना। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें क्या लगा हमें समझ नहीं आएगा कुछ? अब मैंने कौन सा नाटक किया है? बंद करो ये शरीफ बंदे का ढोंग। इस घर के अंदर घुसने के लिए तुमने कीर्ति और उसके आने वाले बच्चे की जान तक जोखिम में डालने की कोशिश की? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिना कोई सबूत के तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। अच्छा, तो अब सबूत चाहिए तुम्हें। ठीक है, आ जाइए। ये वही आदमी है ना जिसने कीर्ति पर हमला किया और इसी से तुमने कीर्ति को बचाने का नाटक किया था? बोलो ना, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? अवनि, क्या ये सच बोल रही है? वरुण जी, आप इस आदमी से खुद ही पूछ लीजिए ना कि सच क्या है। ये मैडम सही कह रही है, अवनि मैडम ने मुझे 2000 रुपए दिए थे ये नाटक करने के लिए। क्या किया तुमने? मेरी बीवी को मारेगा तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। रोक, अम्मी ये क्या पागलपन है? ये क्या किया तूने? वरुण मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे श्रद्धा ने मजबूर किया। इसने मेरे घर में आकर तुमसे दूर रहने की धमकी दी। पूछो इससे। झूठ मत बोलो अवनि, मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी थी। अच्छा, तो क्या ये झूठ है कि तुम मेरे घर नहीं आई थी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुमने मुझे वरुण को कॉल करके उससे दूर हो जाने के लिए नहीं कहा था? बोलो श्रद्धा, बोलो। नहीं हो सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम ही बताओ, तुमने कीर्ति को पाने के लिए गुंडे बुलाए थे ना? बस मैंने भी वही किया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कीर्ति को नुकसान पहुंचाऊं। मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी वरुण, इसीलिए ये सब कुछ किया। लो अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। वरुण जी, आज इसके पागलपन ने कीर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये इस घर में रहेगी तो इसकी क्या गारंटी है कि कीर्ति सुरक्षित है? बस श्रद्धा, मैं अवनि को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अवनि इस घर से नहीं जाएगी। अगर ये आपका आखिरी फैसला है
तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। अगर अवनी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर से कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाऊंगी, और आपको अपने आने वाले बच्चे की शक्ल देखना भी नसीब नहीं होगा वरुण जी। और जाने से पहले मैं सबको ये भी बता दूंगी कि आपने क्या और कैसे किया। आपको ये लग रहा है ना कि मैं कोई खेल खेल रही हूं, तो फिर ठीक है, मैं इस खेल को खत्म करके ही जाऊंगी। वरुण और मेरा प्यार तुम्हारे इन धमकियों से ज्यादा मजबूत है, और मुझे पूरा भरोसा है वरुण मुझे यहां से कहीं जाने के लिए नहीं बोलेगा। अभी मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। अभी तू बस तू जा यहां से। मेरे बीच में आकर तुमने ठीक नहीं किया श्रद्धा। अब तो इस घर से क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी से भी नहीं निकाल पाओ। सब हमेशा से कहते थे कि श्रद्धा बहुत सुलझी हुई है, उसे सही और गलत की पहचान है। तब क्या हुआ था जब तुम्हारी बहन ने वरुण को खुशी के बजाय दुख, परेशानी, तकलीफ और बेइज्जती दी थी, तब तुम चुपचाप तमाशा क्यों देखती रही श्रद्धा? मैं मानती हूँ कि कीर्ति को रिश्तों के मायने समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, कीर्ति वरुण जी की पत्नी है। पर वरुण को प्यार का असली सुकून मुझ में मिला है। कीर्ति और वरुण भले एक शादी के बंधन में है, पर उससे कई ज्यादा मजबूत हम दोनों का रिश्ता है, और तुम हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाओगी श्रद्धा। तुम्हारे सर सच क्यों नहीं बता रही हो? उस दिन अभय ने तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की थी? मम्मी ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। हमारे कहने पे तुम आ ही गई। बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।